नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से 31 जनवरी 2019 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया। ये ऑफिस मेमोरेंडम था रिजर्वेशन देने के लिए भारत सरकार की सिविल पोस्ट और सेवाओं में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इसकी शर्तें क्या हैं, किस तरीके से ये रिजर्वेशन मिलेगा, कितना रिजर्वेशन मिलेगा और किसको रिजर्वेशन मिलेगा? बहुत सारे ईमेल्स और कमेंट्स रिसीव हुए कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन मेन पॉइंट्स टू नो। इस लेटर में फर्स्ट पॉइंट क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन के बारे में है। क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन का जो पॉइंट है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है द पर्सन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटीज एंड ओबीसीज शैल गेट 10% रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एससीज हैं, एसटीज हैं या ओबीसीज हैं, उन तीनों के अलावा जो कैटेगरी बनेगी वो 10% रिजर्वेशन की बनेगी और उस कैटेगरी का नाम दिया गया है ईडब्ल्यूएस, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इन लोगों को मिलेगा जो उन तीनों टाइप की रिजर्वेशन में शामिल नहीं है, और 10% मिलेगा। अब यहां से एग्जेम्पशन ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि कहाँ पे ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, किन पोस्ट के लिए लागू नहीं होगा, आइए देखते हैं लेटर क्या कहता है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्योर व्यू ऑफ रिजर्वेशन ऑर्डर्स बाय मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ये पोस्टें कुछ एक क्राइटेरिया यहां पे बनाया गया है, वो देखते हैं। द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबोव द लोवेस्ट ग्रेड इन ग्रुप ए ऑफ द सर्विस कंसर्न, यानी कि जो ग्रुप ए पोस्ट हैं उनको, उन सभी पोस्टों में ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। ग्रुप ए से जो नीचे की पोस्टें हैं सिर्फ उनके लिए रिजर्वेशन है 10% का। दूसरा पॉइंट ये लिखता है दे शुड बी क्लासिफाइड एज साइंटिफिक और टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरियन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ये नंबर दिया हुआ है 28 दिसंबर 1961 का है, अकॉर्डिंग टू विच साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट फॉर विच क्वालिफिकेशंस इन द नेचुरल साइंसेज और एग्जैक्ट साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज और इन टेक्नोलॉजी आर प्रेस्क्राइब एंड द इनकम्बेंट ऑफ विच हैव टू यूज द नॉलेज इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। यानी कि साइंटिफिक और टेक्निकल जितनी भी पोस्टें होंगी यहाँ पे जो एक्सप्लेन की गई हैं, उनमें से जो ऑफिस मेमोरेंडम जो ये लेटर दिखा रहा है, इस टाइप की जो भी पोस्ट हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, वो एग्जेम्प्ट होंगी इस रिजर्वेशन पे। यानी कि जो साइंटिफिक टाइप की पोस्टें हैं, रिसर्च रिलेटेड जो पोस्टें हैं, उन सबको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। तीसरा पॉइंट कहता है द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च और फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च। यानी कि रिसर्च से रिलेटेड जो भी पोस्टें होंगी वो भी एग्जेम्प्ट की गई हैं। यहां पे साफ तौर से लिखता है इस लेटर के अंदर ऑर्डर्स ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न शुड बी ऑब्टेन बिफोर एग्जेम्प्टिंग एनी पोस्ट सेटिस्फाइंग द अबो कंडीशंस फ्रॉम द प्योर व्यू ऑफ द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि मिनिस्ट्री, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होंगी जिसके अंदर ये पोस्टें आएंगी, उनके ऑर्डर लेना कंपलसरी है अगर वो इस तरह की कोई एग्जेम्पशन लागू करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ इनकम एंड एसेट्स। इनकम का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, या एसेट्स आपके पास जो भी पूंजी है, चाहे वो चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, किस टाइप का है, कितना है, वो सारा का सारा इसमें लिखा गया है। चलिए देखते हैं। पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटीज एंड ओबीसीज एंड हुज फैमिली हैज ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो रुपीज 8 लाख
रुपीज 8 लाख ओनली, यहाँ पे लिखा गया है साफ तौर से, आप देखिए एनुअल इनकम, जो एनुअल इनकम है वो शुड बी बिलो 8 लाख, 8 लाख से कम होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आर टू बी आइडेंटिफाइड एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, इनकम शैल आल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज दैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एटसेट्रा फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। यहां पे एक पॉइंट सिंपल सा कहें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब यहां पे इनकम किसे कहा गया, इनकम किसी भी सोर्स से हो, वो सैलरी से हो, बैंक एफडी के प्रॉफिट से हो, इंटरेस्ट से हो, किसी भी टाइप की इनकम, किसी भी मेथड से आपको अर्निंग्स हो रही हैं और वो पिछले साल, यानी कि रिजर्वेशन लेने के लिए 1 साल का क्राइटेरिया रखा गया है, 1 साल में 8 लाख से कम है तो ही मिलेगा, अगर 8 लाख से ज्यादा है तो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं माना जाएगा। यहां पे ये ध्यान रखें, ये खास पॉइंट है इस रिजर्वेशन का कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिर्फ उन्हीं को माना गया है जिनकी सालाना इनकम सभी सोर्सेज से 8 लाख से कम है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखता है। ऑल्सो पर्संस हुज फैमिली ओन्स और पजेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली इनकम। कौन कौन से हैं? 5 acres ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबोव। अब यहां पे एक बार इसको शुरू करने से पहले मैं एक दो बात यहां पे क्लियर करूं कि यहां पे ये कहा गया है फैमिली इनकम अगर 8 लाख से कम भी रह जाती है किसी भी तरीके से, उस फैमिली इनकम को अगर 8 लाख से कम है, वेल्थ टेस्ट वहां पे हो गया, तो अगर इनमें से, जो अभी पॉइंट में डिस्कस करूंगा, इनमें से भी कोई पॉइंट वो कंप्लीट करता है उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो भी उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि वो जो पॉइंट्स होंगे वो उसको एक्सक्लूड कर देंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट तो यहां पे कहा गया है 5 acres ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबो, जिसके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड कृषि योग्य भूमि है या उससे ज्यादा है, यानी कि 5 एकड़ से ज्यादा या 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है तो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, रेजिडेंशियल एट ऑफ 1000 square feet एंड अबो, जो उसका रेजिडेंशियल जो भी प्रॉपर्टी है वो 1000 square feet है या उससे अबोव है। तीसरा पॉइंट, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 square yards एंड अबोव इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। यहां पे कहा गया अगर म्युनिसिपल कमेटीज, यानी किसी अर्बन एरिया में आप रहते हैं, वहां पे 100 square gaz से ज्यादा, यानी कि 100 गज का अगर आपका प्लाट उससे ज्यादा है और उसमें आप रह रहे हैं तो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आएंगे। अगला पॉइंट, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 square yards एंड अबोव इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। जो अभी अर्बन का केस हमने डिस्कस किया था, म्युनिसिपल कमेटीज जहां पे बनती हैं उनका केस हमने डिस्कस किया था, उसके अलावा उनको छोड़ के, कहने का मतलब कहीं भी रूरल एरिया में है या कहीं और है, ग्रामीण क्षेत्र में है, कहीं भी है, अगर आपके पास 200 गज का प्लाट है तो भी आपको इकोनॉमिकली वीकर नहीं माना जाएगा। हाँ, यहां पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये सारा फैमिली के लिए है, मैं फैमिली को आगे डिफाइन करूंगा, फैमिली किसे माना गया है, तो पूरी फैमिली के पास अगर ऐसी स्थिति है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आएंगे। फैमिली किसे कहा गया है, चलिए देखते हैं फैमिली को डिफाइन क्या किया गया है। द प्रॉपर्टी हेल्ड बाई ए फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज वुड बी क्लब्ड व्हाइल अप्लाइंग द लैंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब फैमिली बनाया किसे गया है, द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पज विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हिज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 years, एज ऑल्सो हिज हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 years।
यानी कि फैमिली में यहाँ पे पेरेंट्स, माता पिता, पत्नी, भाई बहन जो 18 साल से नीचे हों, 18 साल से ऊपर को फैमिली में काउंट नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भाई 19 साल की एज का है और आपकी वेल्थ टेस्ट हो रहा है आपके बच्चों के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो जो फैमिली यानी कि आपके बच्चों के लिए आप पेरेंट्स हैं, तो आपकी जो टोटल फैमिली मानी जाएगी वो पेरेंट्स को इंक्लूड करते हुए बच्चे, आपकी पत्नी, यही मानी जाएगी। भाई को आपकी फैमिली के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि सिबलिंग्स को, सिर्फ भाई बहनों को, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया गया है जिनकी एज 18 साल से कम है। तो ये पूरी फैमिली बनती है इस तरीके से। तो उस फैमिली की जो टोटल इनकम है, जो पॉइंट्स हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, वही सारे के सारे इस फैमिली टेस्ट के लिए आएंगे। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो ऑफिस मेमोरेंडम, जो ऑफिशियल लेटर है भारत सरकार का, उसके अंदर लिखे गए हैं, तो ऑथेंटिक हैं। डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शंस में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इस लेटर का लिंक भी डाला है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, वीडियो में कुछ सुझाव हो इस वीडियो के बारे में, कुछ मॉडिफिकेशंस हो या कोई कुछ पॉइंट्स और चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपको हेल्प मिली है, औरों को भी आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल पाए, जो सरकार की जो स्कीम है वो सभी तक पहुँच पाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन बना हुआ है उसके वो प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जब भी वीडियो नया अपलोड होगा नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।